विश्व एड्स दिवस के अवसर पर सिविल हॉस्पिटल सरावत के आईसीटीई सेंटर के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाई। आईटीसी सेंटर की काउंसलर पूजा कानूनगो ने बताया कि एचआईवी संबंधित जानकारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान की पहल की है। आमतौर पर देखने में आया है कि एचआईवी विषय पर खुल के बात नहीं हो पाती, जिससे समाज में बहुत सी भ्रांतियां फैल रही हैं। इससे एचआईवी होने के प्रमुख कारण से अवगत कराया गया। विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में शासन और भारत सरकार द्वारा पखवाड़े का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सिविल हॉस्पिटल में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और लघु फिल्म देखा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना से रेवा गुर्जर महाविद्यालय व शासकीय महाविद्यालय सनावत के छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लिया। सहायता से बच्चों को एड्स और एचआईवी संक्रमण की जानकारी दी गई और बच्चों को आकर्षित करने के लिए एक लघु फिल्म बच्चों को दिखाई गई। युवा साथियों से यही अपील है कि जो मेन चार कारण है उन्हें जनता तक पहुंचाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार का जो 95% का टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है उसे जल्द से जल्द पूर्ण किया जा सके। मेरा नाम नेहा बिरला है। आप रेवा गुर्जर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आज सिविल हॉस्पिटल में आए हैं, किस लिए आए थे? हम यहाँ एड्स एचआईवी एड्स दिवस है आज 1 दिसंबर को, तो हमें यहाँ पे बुलाया गया था। मतलब हम यहाँ आए हैं, लोगों को जागरूक करना है आज के दिन। इस यहाँ के जो काउंसलर है पूजा मैम, उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया था। हमने यहाँ पे एक मानव श्रृंखला बनाई लोगों को जागरूक करने के लिए। हाँ, यहाँ एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया था, जिसके द्वारा लोगों को यहाँ के यहाँ जितने भी बच्चे आए थे जो रेवा गुर्जर के थे, डिग्री कॉलेज के थे, सबको जागरूक करने के लिए, आज के युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए कि एड्स या एचआईवी कोई छुपाने वाली बीमारी नहीं है। ये हमें सबके सामने खुल के बताना है कि हमें है, लोगों को जागरूक करना है, हमें इसे जड़ से ख़त्म करना है। युवा जो हमारे समाज का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, आज हमने युवाओं को एकत्रित किया और साथ में प्रोजेक्टर पर एक अवेयरनेस मूवी दिखाई, साथ ही मानव श्रृंखला बनाई ताकि और लोग आम लोग भी जाने कि आज विश्व एड्स दिवस है और इसको पहचाने और इसके प्रति अवेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टॉपिक को समझे, सेंसिटिव टॉपिक को समझे और इसके लिए अवेयर हो। कहाँ के बच्चे? निजी महाविद्यालय से, रेवा गुर्जर महाविद्यालय से, डिग्री कॉलेज से बच्चे आए थे और हमारा जो स्टाफ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, हमारा सिविल हॉस्पिटल से स्टाफ। युवा लोगों मैं यही कहना चाहूँगी कि एक छोटी सी गलती हमारे युवा का भविष्य बर्बाद कर सकती है, जीवन बर्बाद कर सकती है। एचआईवी एड्स जैसी घातक संक्रमण से हम कहीं ना कहीं मौत के मुंह में जा सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके लिए वह अवेयर रहें, खुद भी अवेयर हो, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को इसके बारे में जागरूक करें, इससे डरे नहीं, सामने आए, आगे आए, खुलकर बात करें। और अपने दिमाग में अगर कोई उलझन है, कोई समस्या है, तो आईसीटीसी सेंटर है जहाँ पर मैं कार्य करती हूँ, मुझसे आकर परामर्श ले सकते हैं, सही सलाह ले सकते हैं। सनावत से नीलेश मालाकार की रिपोर्ट।